हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, हमारे पास क्वेश्चन है, इन दी गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एस क्यू आर, यानी पी क्यू आर ये ट्रायंगल दिया गया और एस क्यू आर ये ट्रायंगल दिए गए। इसमें हमसे पूछा गया फाइंड एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। पी क्यू आर यानी कि ये एंगल पूछा गया और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये एंगल पूछा गया। दूसरा पूछा गया फाइंड एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर ये एंगल पूछा गया। उसके बाद एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू ये एंगल पूछा। और तीसरा क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा फाइंड एक्स, यानी एक्स की वैल्यू पूछी। तो इसमें क्या है, इन्होंने दो भुजाएं दी गई पी क्यू और पी आर, ये कैसी हैं, बराबर हैं। पी क्यू इक्वल टू पी आर है यहाँ पर, और एस क्यू इक्वल टू एस आर, एस क्यू इक्वल टू एस आर दिया गया है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसे बराबर हैं, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके दोनों कोण भी बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या करेंगे हम लोग, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है। और हमें दिया गया एंगल क्यू और एंगल आर ये बराबर है, तो यहाँ से हम लोग एंगल पी में दिया गया है 30 डिग्री प्लस, इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल क्यू प्लस आर की जगह एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आएगा एंगल क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस 30, ये आ जाएगा 150, और 150 का आधा होता है 75, तो एंगल क्यू हमारा निकल गया है 75 डिग्री। तो यहाँ एंगल क्यू का मतलब ये है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के, तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब ट्रायंगल एस क्यू आर, इसमें देखेंगे हम लोग, हमें दिया गया एस क्यू बराबर एस आर, तो जब इनका भुजा बराबर है तो इनका कोण भी बराबर होगा, यानी एंगल एस आर क्यू इक्वल टू होगा एंगल एस क्यू आर, ये वैल्यू। और भाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये होगा 180 डिग्री, और हमें दिया गया एंगल आर जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल एस हमें दिया गया है 70 डिग्री प्लस, इसको लिख लेंगे एंगल क्यू, और यहाँ पर अगर देखा जाए एंगल आर, तो ये बराबर हो जाएंगे प्लस, हमें निकालना है यहाँ पर एंगल एस क्यू आर, तो एस क्यू आर के लिए क्या करेंगे प्लस, इसको आर को लिख लेंगे एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आएगा टू टाइम्स एंगल क्यू, टू टाइम्स एंगल क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल क्यू आया 55 डिग्री। यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं एंगल क्यू में, कि ट्रायंगल पी क्यू आर वाला एंगल क्यू है कि ट्रायंगल एस क्यू आर वाला, तो हम लोग इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया ये है ट्रायंगल एस क्यू आर, तो यहाँ से आ गया एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री, ये निकल के आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन में हमें ये है कि फाइंड एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू आएगा एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल एस क्यू आर, ये कर देंगे यहाँ से एंगल एस क्यू आर। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमें एंगल पी क्यू आर दिया गया है, ये है 75 डिग्री, माइनस एंगल एस क्यू आर ये है 55 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 20 डिग्री। तो हमारा एंगल एक्स निकल के आ गया 20 डिग्री।